नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास मैंने बताया था कि जो आज की क्लास है वो ऊंचाई और दूरी से होगी। ऊंचाई और दूरी, दोस्तों देखिएगा, ऊंचाई और दूरी। दोस्तों, रेलवे की और एसएससी की परीक्षाओं में जो ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है वो एक जो है जरूरी जरूरी आता है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों, जैसे कोई एक मीनार है, ये कोई मीनार है जिसकी ए बी है, इसकी हाइट आपकी कुछ भी दी होगी, मान लो कि एच है, ठीक है। तो इस जो मीनार का जो उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है वो यहां से कोई एक व्यक्ति देख रहा होगा, कोई एक व्यक्ति इसको देख रहा होगा जिसका जो क्षैतिज के साथ कोण है वो थीटा डिग्री है। क्षैतिज के साथ कोण कितना है? थीटा डिग्री दोस्तों है। तो पूछेगा कि इस व्यक्ति से मीनार के पाद या मीनार की जो निम्नतम बिंदु है उसके बीच की दूरी क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर कहेगा कि थीटा कोण दिया हुआ है और दोस्तों तुम्हारा मीनार और इस बंदे के बीच की दूरी दी हुई है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया होगा। या फिर आगे कह देगा कि कुछ दूरी आगे चलकर थीटा वन से थीटा टू हो जाता है तो यहां से कुछ दूरी होगी, मान लो ये तो x2 होगी, तो ये भी दूरी बताइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो देखिएगा इसका आगे का, मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक मीनार दी हुई है, ये कोण आपका 30 डिग्री है, ये कोण आपका 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पे कोण बनेगा वो हमेशा ही 90 डिग्री का ही बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो जब इस प्रकार से दिया हो, ये 30 डिग्री दिया हो और ये आपका 60 डिग्री दिया हो, दोस्तों जो हम क्वेश्चन मानेंगे वो जो 30 डिग्री के सामने की भुजा होगी उसको हम ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दोस्तों अगर ये समझ गए तो ऊंचाई दूरी खत्म हो जाएगी आपकी अभी की अभी, ठीक है दोस्तों। तो ए 30 डिग्री के सामने क्या होगा? ए मान लेंगे और 60 डिग्री के सामने की भुजा को ए रूट थ्री। और जो सबसे लंबी भुजा अर्थात जो इस त्रिभुज में आपका कर्ण रहेगा उसको हम मानेंगे 2a, या फिर कह सकते हैं 90 के सामने की भुजा को क्या मानेंगे? 2a मानेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, मान लो कि ये दिया हुआ है आपका फिगर, ये 30 है, कह रहा है कि ये आपका 50 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 50 मीटर। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। तो ये 30 तुम्हारा है, 30 के सामने की भुजा मैंने बताया क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, या एच मान लो, एच यहां पर ए मान लो, ठीक है, ए मान रखा हमने, तो ये ए हो गई। अब ये आपका कितना हो जाएगा भाई? ये तो मैंने बताया कि इसमें क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 के सामने क्या होगा? ए रूट थ्री। हमको निकालना क्या है? ये हाइट निकालनी है, ए का मान, तो ए का मान यहां से निकाल लेंगे 50√3। ये आपका क्या आएगा? जो मीनार होगी उसकी ऊंचाई आएगी दोस्तों। अगर यहीं पे पूछ दे कि आपका जो है जो ये डिस्टेंस है व्यक्ति और ये मीनार के जो दूरी है इसकी दूरी बताइए, तो ये आपकी 2a हो जाएगी। a आपका दिया है 50, तो उस व्यक्ति की दूरी कितनी हो जाएगी? व्यक्ति और मीनार के शीर्ष की 50√2 आएगी आपकी 100 मीटर। दोस्तों ये था आपका पहला टाइप। अब दूसरा देखिएगा, ये याद रखना आपको है, मान लो कि ये आपका दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका दिया है 45। कितना दिया है? 45। अब दोस्तों यदि ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी तो 45 हो जाएगा, ये 45 तो ये 45। यदि हमारा ये ए मीटर है, यदि ये वाली भुजा हमारी कितनी है? ए मीटर है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? ए मीटर। यदि कोई भी दो कोण समान होते हैं तो उनकी भुजाएं भी समान होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका इस भुजा का मान, तो ये भुजा का मान क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। इस भुजा का मान कितना हो जाएगा? √2 या a√2 हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों,
दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है एक सीधे खंभे की परछाई 12 मीटर है, एक सीधा खंभा है, ये खंभा हो गया आपका, इसकी परछाई 12 मीटर है, इसकी जो परछाई होगी ये आपकी 12 मीटर है, तथा खंभे के शीर्ष तथा परछाई के अंत बिंदु के बीच का उन्नयन कोण कितना है आपका 30 डिग्री है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं, यदि आपने फिगर बना लिया तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाता है। उन्नयन कोण की बात है दोस्तों, ये उन्नयन कोण आपके जो हाइट एंड डिस्टेंस में है, एक आपका है उन्नयन कोण और एक आपका है अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, ये आपका एक मीनार हो गई, तो मीनार के इस पॉइंट से ये इस पॉइंट को एकदम ऐसे देखते हैं ऊपर की ओर, तो ये हमारा जो कोण बनेगा, ये यहां से मान लो ये मीनार हो गई, अगर यहां से हम बंदा ऐसे देख रहा है तो ये जो 36 से जो कोण बनेगा ऊपर की ओर वो आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। अब यदि यही बंदा जो है इस मीनार पे यहां पे बैठ जाए और जो है इसको जो है इस प्रकार से देखे, यहां से नीचे की ओर इस प्रकार से ये नीचे की ओर, तो यहां पे जो इस क्षैतिज से जो ये कोण बनेगा ये भी आपका कहलाएगा अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न, यहां पे पॉइंट डाल देंगे पी क्यू आर, पूछ कर आपका खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करा रहा है दोस्तों। ये आपका 30 है, ये कितना है 30 है, 30 के सामने की भुजा आपकी क्या हो गई ए हो गई, क्या हो गई ए, और ये आपका 90 डिग्री होगा, खंभा है, खंभा सीधा रहेगा हमेशा, ठीक है, और ये आपका 60 डिग्री के सामने बताया था क्या हो जाएगा ए रूट थ्री। अब हमको निकालना क्या है ए का मान, तो 12 बटे क्या हो जाएगा रूट थ्री, ये रूट थ्री से ऊपर नीचे कर देंगे परिमेयकरण, तो ये 3 से 4, मतलब इसका जो मान आएगा वो 4 रूट 3 आएगा दोस्तों। दोस्तों इसको हम दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं, उसको भी देख लीजिएगा, ये तो आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक, आप यदि कुछ थोड़ा विस्तार से लगाना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, ये आपका दूसरा तरीका है दोस्तों, यहां से दूसरा देख लीजिएगा, ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में हमको निकालना ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, टेन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है लंब बटे आधार, टेन और थीटा के यहाँ पे कितना है 30 है, थीटा के यहाँ पे 30 है दोस्तों, तो लंब क्या होगा एच हो गया और ये आधार 12 हो गया, इसका मान आपका टेन 30 का 1/3 एच बाई 12। अब यहां से हम निकालेंगे तो क्या आएगा 12/√3 और फिर आगे सेम, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, 15 मीटर का एक खंभा दीवार के सहारे खड़ा है, एक ये आपकी दीवार है, ये दीवार हो गई, अब एक खंभा होगा इसके सहारे खड़ा है, सहारे का मतलब टिका हुआ है ऐसे, ठीक है दोस्तों, कैसे टिका हुआ है, ये टिका हुआ है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर है, सहारे खड़ा है जो जमीन से 60 का कोण बनाता है, जो जमीन से क्या करता है 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो दीवार की ऊंचाई ये वाली हाइट पूछ रहा है, ये हाइट आपकी पूछ रहा है ए बी सी, क्या कर लेंगे, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी ये 30 हो जाएगा, ये 60 पहले से है और ये 90, ये आपका ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ए रूट थ्री हो जाएगा दोस्तों। तो हमको निकालना क्या है, ये मान निकालना है ए रूट थ्री का, ठीक है, तो ये आपका होता है 2a, क्या होता है 2a, तो आपका दिया हुआ है 2a बराबर 15 दिया हुआ है, a बराबर कितना निकल गया है 15/2, हमको निकालना क्या है a√3, तो a√3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान रख देंगे तो a का मान आपका 15/2 और 3 का मान 3, अब इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, तो हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7.5, तो 7.5√3 का मान रख के भी हल कर सकते हैं, 1 2 7 3 2
लास्ट में एक भी लिख सकते हो, लेकिन सात तीन दो तक ही, तीन अंकों तक ही रखिएगा। दोस्तों ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। एक समतल मैदान पर बिंदु पी से एक टावर, एक समतल मैदान आपका है ठीक दोस्तों। अब कह रहा है कि मैदान पर बिंदु पी, ये बिंदु पी होगा, बिंदु पी से एक टावर, ये बिंदु पी इधर मान लो, ये आपका टावर हो गया, बिंदु पी यहां पे हो गया, बिंदु पी से टावर के शीर्ष, ये टावर का शीर्ष हो गया, इसका जो उन्नयन कोण है मतलब ये समतल के साथ बनाएगा, ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, या टावर की ऊंचाई 100 मीटर है, ये टावर की ऊंचाई कितनी है 100 मीटर है, तो बिंदु पी से, बिंदु पी से टावर, टावर ये हो गया आपका टावर के पाद मतलब निचले बिंदु से, निचले बिंदु के बीच की दूरी, ये आपकी डिस्टेंस को पूछ रहा है दोस्तों। ये आपका क्या हो गया 90 हो गया, ये कितना हो गया 90 हो गया ना, और ये आपका 60 हो गया ना दोस्तों। वही फार्मूला आपका इसके सामने क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा ना, ये हो गया, और ये आपका ए रूट थ्री, तो डी बराबर क्या हो जाएगा ए रूट थ्री, और ये ए का मान 100 रूट थ्री हो गया दोस्तों। तो 100 इसका मान रख लेते हैं, 1 7 3 2 1 एक छोड़ दो, तो हो जाएगा आपका 1732 मीटर। तो जो इसके बीच की जो दूरी आपकी है वो कितनी है 1732 मीटर है ठीक है दोस्तों। ये आपका था क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन दोस्तों। आशा करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार देखिएगा दोस्तों। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन दोस्तों। ये आपके प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाजों के अवनमन कोण दोस्तों, ये कोई दो जहाज होंगे, मान लो ये पॉइंट पे होगा, ये बी पॉइंट होगा, और इधर कहीं पर आपका प्रकाश स्तंभ होगा। इस प्रकाश स्तंभ अवनमन कोण पूर्व की तरफ है, तो दोस्तों इसको ऐसे ना करके, प्रकाश स्तंभ इधर और ये दो जहाज इधर हो गए ठीक है, पूरब कह रहा है, तो ये हो गया 45 व 30 के हैं, तो ये जब यहां से कोण बनाता है इस प्रकार से इनसे, तो ये तो एक हो गया आपका 30 का, कितने का हो गया 30 का हो गया, और ये आपका हो गया 45 का, ये आपकी इसकी ऊंचाई हो गई, और ये इनको ऐसे मिला दिया हमने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने का कोण ये होगा उतने का ही कोण ये होगा, और जितने का ये होगा उतने का ये होगा ठीक है। अब इनको ए बी सी ये क्यों बना दो, हाँ दोस्तों पहले तो हम ये देखते हैं कि ये 30 30 और 45 कैसे हो गए दोस्तों। जो ये हमारा एक क्षैतिज रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, ये दोनों कैसी हैं, समांतर हुई हैं, कैसी हो गई समांतर हो गई, तो और दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिरछी रेखा एक काट रही है, तिरछी रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा, कैसा होगा बराबर होगा। ये देखिए, ये आपकी जेड की आकृति मिल जाती है, किसी भी इस दो समांतर रेखाएं हो और उसके एक तिरछी रेखा काट रही हो और जेड की आकृति मिल जाए, तो उनके जो अंदर के कुन्ने होंगे वो सेम होंगे, ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा थीटा ही होगा ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा कि वो दोनों कैसे बराबर हुए। दिया था हमारा ये वाला, ये 30 है ये 45 है, लेकिन हमने कर क्या लिया, ये वाला 30 है और ये 45, कैसे बताया मैंने पीछे ठीक है। अब देखिएगा यहां तक हो गया हमारा, इसका यदि जहाज 100 मीटर पृथक हो, मतलब 100 मीटर की पृथक मतलब डिस्टेंस पे दोनों, ये दूरी मतलब उनके बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर है दोस्तों, ये कितनी है 100 मीटर है ठीक है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये आपका पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है ठीक है। तो आगे हल करने ला अपने आप, ये तो देखते हैं, ये आपकी 45 है तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 45, ये एच है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी एच हो जाएगी। अब ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी एच प्लस 100 हो जाएगी ना, ये दोनों जुड़ जाएगी। अब देखिए दोस्तों आगे, ये आपका 30 है, ये 30 है तो ये पूरा कोण यहां से यहां तक की ये कोण कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपका एच है,
ये कितना है यच, और ये क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी बड़े त्रिभुज के लिए, ये हो जाएगा यच रूट थ्री, यच रूट क्या हो जाएगा थ्री, तो यच रूट थ्री आपका कितना है 100 प्लस h, अब h को हम इधर ले आएंगे रूट थ्री माइनस h, और ये 100 हो गया, तो यहां से h बराबर निकल के आएगा 100 बटे रूट 3 माइनस 1, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे परिमेयकरण, ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे परिमेयकरण, ये आपका नेक्स्ट लाइन में क्या जाएगा 100 और रूट थ्री प्लस 1 और ये 2, ये आपका निकल के आएगा 50, तो जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो 50√3+1 ये निकल जाएगा मीटर में, इसको और भी आप हल कर सकते हैं दोस्तों, ये आपका शॉर्ट ट्रिक से हो गया, यदि आप इसे बड़ा करेंगे तो दोस्तों बहुत ही बड़ा जाएगा, मैं कर भी सकता हूं बट वो बड़ा जाएगा, वो आपकी परीक्षाओं में दूसरे करने लगोगे तो फिर पूरा आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये हमारे अनुमन कोण हो गए, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा, कैसे एकांतर कोण से, ठीक है, ये आपका 100 है तो पूरा कितना जाएगा 100 प्लस h हो जाएगा, 100 प्लस h ही तो होगा, अब देखेगा ये h है, ये हमने h मानी तो ये कितनी हो गई h हो गई, ये 45 है ये, इसीलिए हमारा ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी समान होंगी दोस्तों, ये आपका 30 के सामने मैंने कहा था a मान लेते हैं a या फिर h कोई भी एक लेटर, और ये हो जाएगा 60 के सामने क्या हो जाएगा रूट 3 × h, तो रूट 3 × h किसके बराबर है h प्लस 100 के बराबर है, h प्लस 100 के, तो इसी प्रकार से हमने आगे हल कर लिया, ये निकल गया दोस्तों, आज का इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।